सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले उस न्यू स्मार्टफोन के बारे में, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है बट आने वाले कुछ दिनों में ये लॉन्च हो जाएगा। और ये मोटोरोला का फ्लैगशिप फोन होने वाला है, जो कि है मोटोरोला X40 5G। इसके फीचर्स सारे लीक हो चुके हैं, आज हम इसके फीचर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड गाइस, क्या ये सच में फ्लैगशिप फोन होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, बात करें इस फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसके बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट मिलने वाला है और 3 कैमरास इसके बैक में आपको मिल जाएंगे और एक फ्लैश लाइट। और मोटोरोला की ब्रांडिंग आपको इस फोन में मिलने वाली है इसके बैक में, और फ्रंट में आपको एक सेल्फी कैमरा और डिस्प्ले में आपको एक ग्लास देखने में मिल जाएगा, और साइड में आपको स्क्रीन लॉक बटन, वॉल्यूम अप डाउन के बटन और स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। टाइप सी का पोर्ट आपको इसमें देखने मिल जाएगा, सिम इजेक्टर, एक माइक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है इस फोन की। अब बात करें इसके डिस्प्ले की, तो ओलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिलने वाला है 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है, तो काफी स्मूथ होने वाला है गाइस ये फोन, और HDR 10 प्लस को भी ये सपोर्ट करने वाला है। डिस्प्ले की साइज की बात करें तो 6.7 इंच के डिस्प्ले आपको मिलने वाला है और 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन आपको इस फोन में मिल जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले भी काफी अच्छा होने वाला है, मल्टीमीडिया के लिए भी काफी बेटर होने वाला है और काफी स्मूथ इसका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो MIUI 4.0 बेस्ड ऑन Android 13, तो Android 13 आपको इसमें देखने मिल जाएगा, और चिपसेट आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर। तो भाई, इसका प्रोसेसर काफी फ्लैगशिप लेवल का होने वाला है गेमिंग और परफॉर्मेंस काफी बेटर आपको इस फोन में मिलने वाला है। यही प्रोसेसर आपको सैमसंग के आने वाली S23 सीरीज में देखने को मिल जाएगा, तो दोनों ही फोन की काफी टक्कर होने वाली है गाइस आने वाले कुछ दिनों में 2023 में, तो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाला है ये फोन और गेमिंग में भी काफी काम आने वाला है गाइस ये आपके लिए। और गाइस, का हमने ओंतु स्कोर निकाला तो 12 लाख से भी ज्यादा इसका ओंतु स्कोर आया है, तो इसका प्रोसेसर काफी फ्लैगशिप होने वाला है, आप बढ़िया बढ़िया गेम इस फोन में आसानी से खेल पाएंगे। तो गाइस, ये 3 वेरिएंट में आता है, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, और 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज, और 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज आपको इस फोन में मिलने वाला है। एंड गाइस, इसके कैमरा भी काफी बेटर होने वाले हैं, फ्लैगशिप लेवल के कैमरास इसके होने वाले हैं। इसके बैक में आपको 3 कैमरास मिल जाएंगे, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको इसमें मिलने वाली है। OIS को सपोर्ट करने वाला है और 4K वीडियो आप 60 FPS पर इसके बैक से बना पाएंगे, और इसके फ्रंट में आपको 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप 4K वीडियो इसके फ्रंट से भी बना पाएंगे। स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर्स होने वाले हैं और डॉल्बी एटमॉस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वाईफाई आपको 6G मिलने वाला है और काफी सारे वाईफाई बैंड्स को सपोर्ट करने वाला है गाइस, NFC आपको मिल जाएगा और टाइप सी पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है अंडर डिस्प्ले और काफी सारे सेंसर आपको इस फोन में मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस, अब बात करें इसकी बैटरी की, तो 4600 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी और 125W की चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला है, तो काफी फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिलने वाली है। 7 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा और 12 to 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा गाइस, तो काफी अच्छी बैटरी लाइफ होने वाली है और ओवरऑल सारी फीचर इस फोन में काफी बेटर है, फ्लैगशिप लेवल का फोन वाला है। एंड गाइस, इस फोन की प्राइस आपको 65,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। 2023 में लॉन्च होने वाला है, काफी धूम मचाने वाला है ये फोन गाइस, और सैमसंग की S23 सीरीज भी लॉन्च होने वाली, तो दोनों ही फोन काफी डिमांड में आने वाले हैं 2023 में। एंड गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।